आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडाराज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के और कोई नहीं कर सकता।